और अध्यापन और शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्र में जुड़े होने के कारण मैं स्वयं को सबसे पहले एक अध्यापक ही समझती हूँ। और आज जब आप सभी यहाँ पर उपस्थित हैं तो मैंने कहा कि मैं कुछ मोटिवेशनल कुछ बातें ऐसी कर सकती हूँ जो जैन साहब ने जैसे कहा कि देश के निर्माण में शिक्षक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो मैं बस अपनी लिखी हुई एक रचना छोटी सी सुनाना चाहती हूँ जो मैं अपने टीचर्स को हमेशा सुनाती थी। डेस्क के उस पार बैठे छात्र थे हम भी कभी, अपना जमाना सोचे जब हम लोग छोटे हुआ करते थे। डेस्क के उस पार बैठे छात्र थे हम भी कभी, एक बैग था कंधे पे केवल, थी सरल कोमल जिंदगी। प्रश्न थे मन में अनेकों और उत्तर ढेर सारे, व्यवहार का संबल लपेटे आदर्श शिक्षक थे हमारे। हमने उन्हीं से ज्ञान पाया, मान और सम्मान पाया, आचार का, व्यवहार का, स्नेह का वरदान पाया। धैर्य से, श्रम से उन्होंने था कभी हमको पढ़ाया, आज हम जो कुछ बने हैं हमको टीचर्स ने बनाया। ये तो हो गई बात हमारे टीचर्स की। अब हम अपनी बात करें, क्या यही आदर्श लेकर आज हम सब भी खड़े हैं? क्या सही अर्थों में हम भी एक पथ दर्शक बने हैं? सैकड़ों बच्चों का जीवन है इन्हीं कंधों पे जाने, देश के निर्माण में भूमिका शिक्षक की माने। ले ध्वजा ज्ञान की हाथों में, संकल्प करें आओ बढ़ के, हम मार्ग करेंगे निष्कंटक, कोमल कर से कर्तव्य यही, निष्काम भाव से सेवा में अर्पित हो शिक्षक आज सभी। दीप हमको स्वयं बनना खुद दिखान। ले ध्वजा ज्ञान की हाथों में, संकल्प करें आओ बढ़ के, हम मार्ग करेंगे निष्कंटक, कोमल कर से कर्तव्य यही, निष्काम भाव से सेवा में अर्पित हो शिक्षक आज सभी। दीप हमको स्वयं बनना, खुद दिखाना राह चलकर, आओ खड़े हो हम सभी सभी शिक्षक, बस यही संकल्प लेकर।